कौन किससे ऑब्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमने इतना पर्सनल ये कभी पर्सनल लाइफ में किससे ऑब्सेस हो सकती नहीं हो सकती ये मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। जब प्रोफेशनल स्पेस में आप मुझे पूछो तो सुंबुल जैसी एक्ट्रेसेस बहुत कम है अभी, मुझे ऐसा लगता है इंडियन टेलीविजन में तो है ही नहीं। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। धन्यवाद। तो आप बिग बॉस को भी जानते हो और आप सुंबुल को भी जानते हो और फिर अंदर जाकर उनको यू नो बैश किया जा रहा है, तो उस पर क्या रिएक्शन? अभी क्या चल रहा है मुझे सच में नहीं पता। अब शालीन कौन है मुझे पता नहीं, वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं, कौन क्या हो सकता है। मैंने सुंबुल के साथ 1 साल काम किया है। 1 साल में मैं आपको हमारा रूटीन बताता हूँ। सुबह 7:30 बजे पूरे साल 365 दिन में से 1-2 दिन अगर आप छोड़ दो तो 7:30 बजे पहला आदमी जो सेट पे आके स्क्रिप्ट खोल के बैठता था वो मैं रहता था। उसके बाद डायरेक्टर आएगा, उसके बाद कैमरामैन आएगा, उसके बाद सेटअप। पहला आदमी जो आता था 7:30-8 बजे वो मैं रहता था और स्क्रिप्ट लेके बैठता था और मैं इम्प्रोवाइजेशन, ये लाइन ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे चेंज करो, ये अच्छा लग रहा है, ये मस्त जा रहा है, इधर ये ऐड करेंगे। और जैसे ही सुंबुल और मेरा डायरेक्टर आता था मैं पहले उनको लेके बैठता कि आधा घंटा बैठते और इसको स्टडी करते पूरा, और पूरी कोरियोग्राफी हम आपको दिखाते हैं, फिर आप डिजाइन करो इसको कैसे ग्रैब करना है। ऐसे मेरे 365 दिन गए। उसके बीच में मैंने सुंबुल एक बहुत अच्छी अदाकार है इसलिए उसको हमेशा कहा कि तू पढ़, तो उसको बुक्स देता था मैं, सादत हसन मंटो हो, इसमत चुगताई हो, प्रेमचंद हो, कि तू हिंदी लिटरेचर पढ़, हमारा जो लिटरेचर वो पढ़, उससे तेरी वोकेबलरी और इम्प्रूव हो जाएगी। कि तुझ जैसी जो बेहतरीन अदाकारा है उसे अगर हिंदी का और उर्दू का ज्यादा इल्म हो तो वो बहुत तेरे लिए फायदेमंद होगा आगे चलकर। तो वो उस तरीके का रिश्ता हमारा रहा है ऑल 365 डेज। तो और वो करती भी थी, वो बहुत शी यूज्ड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट एंड इट वॉज ऑलवेज अबाउट सीन्स। मैं शाम को थका हारा घर चला जाता था, मैं थक के सीन 3 या 4 सीन करके थक के घर चला जाता था। तो कौन किससे ऑब्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमने इतना पर्सनल ये कभी, हाँ एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा, कभी उसको मेरे घर पे बुलाया मेरी पत्नी ने और मैंने, या हम कभी उसके घर केक काटने के लिए चले गए, उसको थोड़ा सा यू नो सपोर्ट किया उस पर्सनल स्पेस में वगैरह। उसके उससे ज़्यादा वो पर्सनल लाइफ में किससे ऑब्सेस हो सकती नहीं हो सकती ये मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। जब इतनी प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा आर्ट से रिलेटेड हमारा रिश्ता रहा है पूरे साल, और उसको मैं वैल्यू करता हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ उस रिश्ते को। तो उसके बियॉन्ड लेकिन मैं सुंबुल, क्योंकि डेली सोप में आप 12 घंटे सेट पे रहते हो, तो आप पर्सनली कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, तब आपको पता चले कि उसकी दूसरे दोस्त के साथ कैसी रिलेशनशिप है या क्या है, वो सब जानने के लिए एक दूसरे के पास वक्त भी नहीं था। तो आई डोंट नो दैट। प्रोफेशनल स्पेस में आप मुझे पूछो तो सुंबुल जैसी एक्ट्रेसेस बहुत कम है अभी, मुझे ऐसा लगता है इंडियन टेलीविजन में तो है ही नहीं वेरी फ्रैंकली। एक्ट्रेस अगर आप देखने जाओ कि जो मतलब वैसे यहाँ से नाभि से काम करती है वो तो है नहीं। फैंस को कोई एक थ्रू टेलीचक्कर जिस तरह से आपने हमें यहाँ पर सराहा है, ऑर्गेनिकली सपोर्ट किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे आपके हमेशा के लिए। और आगे चलकर जो कोई भी काम करेंगे वो भी जरूर देखिएगा, अलग अलग पहलू अपने दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ भी काम करेंगे। ये अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। फॉलोइंग, कीप लाइकिंग टेलीचक्कर एज वेल। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। Know all about the telly world by subscribing to TellyChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.